हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आप सबके फेवरेट चैनल द लोकल गाइड पे। इस एपिसोड में मैं कोलैबोरेट करने वाला हूँ गरिमा तिवारी के साथ, जिन्हें छत्तीसगढ़ में नॉनी कुक्स के नाम से भी जाना जाता है। हम छत्तीसगढ़ी कुजीन के कुछ फेमस आइटम्स को बनाएंगे, जैसे कि चिरपोटी टमाटर की पाताल चटनी, आंगा का रोटी, तीवरा फल का भटकर, बिजौरी, ऐसी कई चीजों को मिलाकर एक प्रॉपर छत्तीसगढ़ी थाली हम बनाएंगे और मैं उसे खाकर बताऊंगा कि उसका टेस्ट कैसा है। उसके बाद हम जाएंगे गरिमा दीदी के फार्म पर, पुराने मंदिर और खूबसूरत खेत के साथ साथ सिंदूर का फल भी देखेंगे। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। जा रहे हैं गरिमा दीदी के पास, उनके फार्म हाउस पे। अभी देखो, आप देख सकते हो, और रोड इतना अच्छा है, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि रोड खराब है, गाड़ी कूद रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल चौड़ा रोड है, दो गाड़ियाँ आराम से पार हो सकती है। इट्स रियली नाइस दैट उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल जिनका भी काम है, उन्होंने इस तरीके का रोड बना के रखा। इससे टूरिज्म को डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो अभी चलते हैं, कुछ देर और ड्राइव करते हैं, फिर जब फार्म पे पहुंच जाऊंगा तो दिखाता हूँ मैं आपको कि हम आज क्या करने वाले हैं। तो अभी मैं फाइनली आ गया हूँ गरिमा दीदी के घर पे। आपको मैं इंट्रोड्यूस करा दे देता हूँ और वो खुद ही इंट्रोड्यूस करेंगे खुद को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गरिमा दीदी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो आपको नहीं जानते। आई थिंक छत्तीसगढ़ में तो शायद ही कोई ऐसा होगा, वैसे फिर भी। मैं गरिमा तिवारी हूँ और सोशल मीडिया पर लोग मुझे नोनी कुक्स के नाम से जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ी खाने के बारे में मैं लिखती हूँ, उनके फ़ोटोज़ लेती हूँ, छत्तीसगढ़ के खाने को हर जगह पहुँचाने का जो मेरा उद्देश्य है उसको सोशल मीडिया के द्वारा पूरा करती हूँ। तो दीदी, अभी आप बताइए इस जगह के बारे में, इस गांव के बारे में और इस पुश्तैनी घर के बारे में। ये सोनपुर गांव है और ये मेरे पापा का गांव है। तो मेरा जितना भी बचपन है वो यहाँ बीता है, जितनी भी छुट्टियाँ हैं, दिवाली की मोस्टली एंड ऑल, तो वो हमारा मतलब इस घर से बहुत ज्यादा कनेक्शन इसलिए है। और ये घर और भी मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ना इस घर के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा जनरेशन पता चलती है। एवरी जनरेशन हैड इट्स ओन कंट्रीब्यूशन, इसलिए वो बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। तो ये जो पार्ट है ये मेरे दादाजी का बनवाया हुआ है। ओके, तो ये उनकी मेमोरीज हैं। और फिर इस तरफ का यहाँ से स्टार्ट होता है जो पार्ट, हाँ, उनका पुश्तैनी घर है, यानी कि आपके परदादा हुए वो। हाँ, मतलब वो मेरे पापा के दादा और उनके पहले के जो भी लोग थे उनका बनाया हुआ ये पार्ट है। तो इसको हमने ऐसे ही रखा है, इसलिए बहुत ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं हुए हैं, क्योंकि एक तरीके से ये लीगेसी हो गई ना। हाँ, एक exactly. आपको एक हेरिटेज है, क्योंकि हाँ, हो सकता है अब आपकी बेटी जैसे है तो उनको भी पता चलेगा कि कैसे लोग पहले रहते थे, कैसा स्ट्रक्चर होता था, एंड हाउ लाइफ हैज चेंज्ड नाउ। एग्जैक्टली, और वो बताने में भी अच्छा लगता है क्योंकि यू हैव समथिंग मटेरियल टू एग्जैक्टली शो, क्योंकि ऐसे बताना कि ऐसा था से ऐसा है बताना इज इजियर। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है, इसमें थोड़ा कुछ चेंजेस हुए हैं। ऊपर की जो दो खिड़कियां आपको दिख रही हैं, ये एक्चुअली खिड़कियां नहीं है। ओके, ये कोठी का दरवाजा था और ये पूरी एक कोठी थी। ओके, सो देयर वर नो विंडोज यहाँ और वो डोर भी नहीं था। और यहाँ पे आप ऐसे देखोगे, यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा स्क्वायर होता था जिसमें से धान निकालते थे। अच्छा अच्छा, तो ये पूरे में ऊपर से लेके नीचे तक धान भरा होता था, और जब निकालना होता था तो वो यहाँ से खोल के बोरों में भर के निकाल लिया जाता। और ये बहुत ही पुराना पार्ट है, सबसे ज्यादा पुराना हिस्सा इस घर का। यहाँ दिया वगैरह रखा जाता था शायद। हाँ, इसे पठेरा कहते हैं, ये जो डिजाइन बना हुआ है और साथ में से छोटा खिड़की जैसा, यहाँ दिया रखने के लिए या कोई जरूरी सामान अगर रखना है। वैसे तो पठेरे ऐसे बहुत जगह पे होते थे, आजकल देखने को नहीं मिलते, तो इसलिए हमने इसको रिटेन करा है। यहाँ पे एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ, जो है यहाँ के पौधे। यहाँ पर मुझे एक नज़र में ही बेल का पौधा दिख रहा है, पपीते का पौधा दिख रहा है, और कुछ ऐसे जिसे आप पहचान भी नहीं सकते, जैसे कि ये वाला पौधा, राइट गरिमा दीदी? हाँ। ये इसके बारे में आप बता रहे थे ना, वैसे भी दांत में दर्द तो हो ही रहे मेरे। हाँ, ये एक्चुअली आयुर्वेदिक पौधा है। और अच्छा, ये मैं ये बता दूं कि मेरे जो दादाजी थे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और मेरे जो नाना जी थे वो वैद्य थे, इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारे पौधे ऐसे भी मिलेंगे जो लोग नहीं पहचानते हैं, बट हम पहचानते हैं, घर में उसके बारे में इतना डिस्कशन। वैसे भी मैंने सुना है कि बस्तर से काफी सारा जो है जड़ी बूटी ये
सब एक्सपोर्ट होता है बाहर, बाहर देश में जाता है। तो ये उनमें से एक है, ये जो अगर दांत में दर्द होता है ना, तो इसे दांत में ऐसे दबाया जाता है तो उससे दांत का दर्द चला जाता है। तो ये पत्ता किस चीज का है दीदी? ये तेंदू पत्ता बोलते हैं। महुए का पत्ता है। महुआ का पत्ता है ये महुए का पत्ता है, इसी से पत्तल बनती है और ये इसको दोना कहते हैं। अच्छा, तो उसमें रोटी या चावल खाते हैं और इसमें सब्जी, दाल, चटनी जो भी रखा जाए। तो महुआ का पत्ता यूज करने के लिए कोई स्पेसिफिक रीजन है ऐसा? या ये थोड़ा सा ऐसा चिकना सा होता है तो फूड वगैरह या कुछ भी इसमें बहुत ज्यादा स्टिक नहीं होता, इट्स इजी टू ईट, शायद इसलिए भी। ये जो है पलाश के पत्ते, इसको बोलते हैं परसा पान यहाँ छत्तीसगढ़ में, और इसी में वो रोटी बनती है जो हम आज बनाएंगे, पान रोटी। ठीक है, और तीसरी चीज है ये खड़ा धनिया। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट विंटर स्पाइस छत्तीसगढ़ का, विच इज कॉल्ड फर धनिया। छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा इसका वो है कि ठंड जब आ गई तो फर धनिया की चटनी, हर सब्जी में फर धनिया पिस के डलेगा, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा दीदी, ये कुछ जानी पहचानी लग रही है, ये चेरी है क्या? ये चेरी है, ये इंडियन चेरी है, थोड़ी सी टार्ट होती है, खट्टा? हाँ, थोड़ा सा ज्यादा खट्टा होता है। ऑल आई नो कि हम लोग बहुत खट्टा खाते हैं, मतलब हर खाने मैं भी खाता हूँ, जरूरी है। आई कॉन्फेस मैं भी खट्टा खाता हूँ, अब आप जो भी समझ लीजिए, ऐसे कोई खुशखबरी नहीं है, मैं खट्टा खाता हूँ बस, ये पेट निकला हुआ है। ये दीदी, ये तो करमत्ता भाजी आई है ना? मेरा भाई आजकल खरगोश को बहुत खिला रहता है, थोड़ा पहचान गया मैं। हाँ, ये करमत्ता भाजी है, ये भी बहुत खाई जाती है ना हमारे यहाँ। खाई जाती है यहाँ पे भाजियाँ, मतलब छत्तीसगढ़ में तो बिना भाजी के कोई भी नहीं चलता। जैसे ये है, ये भी भाजी है, दिस इज कॉल्ड मास्टर भाजी। अच्छा, इसका नाम के पीछे समझ में नहीं आया, मास्टर भाजी क्यों? ये इसकी बाकी भाजियों की क्लास लेती है क्या ये? आई डोंट नो, पर ये कितनी अलग दिख रही है ना, सुंदर लग रही है। इतनी भाजियां हैं छत्तीसगढ़ में, 36 तरह की भाजियां हैं, वो बात सही है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि वो भी मिथ है, क्योंकि उससे ज्यादा ही होंगी, क्योंकि उससे ज्यादा तो मैं जानती हूं। हां, पेड़ पौधे तो बहुत देख लिए, अब पेट आवाज कर रहा है मेरा, कुछ खाते हैं। मैंने देखा आप स्टार फ्रूट का भी पौधा है इनके यहाँ, वो पौधा मैं दिखाता हूँ, और मैंने इन्हें कहा है कि मुझे वो खाना है, क्योंकि पुणे में आने के पहले मैंने बहुत खोजा था, मुझे नहीं मिला था, और वो खट्टा होता है। यस, आई लाइक खट्टा, आई कन्फेस, सॉरी, मुँह में पानी आ रहा है। तो ये है स्टार फ्रूट, दीदी ने एकदम काटा है इसे, इसे अभी तोड़ा कि कुछ देर पहले ही, थोड़ी देर पहले ही टूट के आया है, इसे खा के देखते हैं अभी। अभी खट्टापन थोड़ा कम है, जूसी बहुत ज्यादा है। एक्चुअली ये जो इतना पुराना होता है, जो येलो होते जाता है, तो इट बिकम स्लाइटली स्वीटर। तो ये जो है, ये एग्जैक्ट अभी ये टाइम है जब इसे खाया जाए, तो ये बहुत, जैसे ये अभी ये जो है ना, हल्का सा पीलापन लिए हुए, तो इससे ये होता है कि ये थोड़ा सा खट्टे मीठे के बीच में होता है, तो इट्स नॉट वेरी वेरी खट्टा, मतलब खाने में अच्छा हो जाता है। तो इस टाइम पे इसे तोड़ना सबसे सही रहता है, तो इसलिए इस टाइम पे टूटा है, प्यारा लगता है देखने में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्टार फ्रूट। सी, दिस इज अ परफेक्ट स्टार, स्टारफिश के जैसा। यहाँ पर काफ़ी अच्छी मेज़ सजी हुई है, काफ़ी सारे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम यूज़ करने वाले कुकिंग में। स्टार फ्रूट तो मैंने खा के दिखा दिया आपको, उसके अलावा दीदी यहाँ पर क्या क्या है अब बताइए एक बार। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली, इसमें से कुक्ड कुछ भी नहीं है, दीज आर ओनली इंग्रेडिएंट्स। तो जैसे यहाँ पर तुम स्टार्ट करोगे तो ये है तिवरा भाजी, ठीक है, इसको ये स्पेसिफिकली ठंड में आती है कुछ टाइम के लिए, और तो ये जो है ये तिवरा का फल है। तिवरा को ग्रास पी भी कहते हैं, मतलब इंग्लिश में ऐसे, जैसे जो लोग नहीं जानते कि तिवरा, इसे लाखड़ी भी कहते हैं। हाँ, लाखड़ी नाम मैंने सुना है। हाँ, तो छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ लाखड़ी भी कहते हैं और तिवरा भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे ग्रास पी कहते हैं। ओके, तो इस फल का जो दाने हैं, मटर जैसे छोटे छोटे होते हैं, इसकी भी सब्जी बनती है, और भाजी जो है वो भी हम एज अ भाजी पकाते हैं, ये ठंड की भाजी है हमारी। यहाँ पे तो कड़ी पत्ता रखा है जो कि छत्तीसगढ़ी कुजीन में बहुत यूज होता है। हाँ, हमारे यहाँ खट्टी सब्जियां बहुत बनती है, तो बघार में कड़ी पत्ता डलता है, टमाटर का खट्टा जो जो बनता है, या जो भी खट्टी कड़ी बनती है उसको बघारने के लिए कड़ी पत्ता डलता है, वो है। फिर ये बैंगन है, ये भी स्पेसिफिकली ठंड में ज्यादा अच्छे से आता है, और ये बहुत ज्यादा मीठी होता है अंदर से, तो इसलिए कोई भी भाजी में अगर इसको डालते हैं ना, तो ये भाजी को अच्छी तरीके से लपेट लेता है, इसलिए भी इसे यूज करते हैं। और ये इसको एक्चुअली खट्टा भट्टा भी कहते हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ खट्टी सब्जियों में ये डलता है, इसका एक्चुअल नाम है गोलाइंदा भाटा, बिकॉज इट इज ऑब्वियसली राउंड, और इसको मही भाटा भी कहते हैं, क्योंकि इसको खट्टे में बनाते हैं, और हमारे यहाँ बटर मिल्क को मही कहते हैं। छत्तीसगढ़ में तो बड़ियों का बहुत चलन है, ये तो छोटी बड़ी है और ये उड़द दाल से बनती है, तो इसको आज हम पोई भाजी के साथ बनाएंगे। तो इसको बहुत बार भाजियों के साथ, छोटी वाली जो बड़ी होती है, इसको या तो आलू प्याज के साथ बनाते हैं, ये बहुत बार भाजियों के साथ बनाते हैं, अलग अलग भाजियों के साथ, तो ये उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। सिर्फ उड़द दाल, इसमें सॉल्ट स्पाइस कुछ नहीं डलता, सिर्फ उड़द दाल से छोटे छोटे चनों की तरह बनाई जाती है। इसका बहुत छोटा जो वर्जन होता है उसे चनौरी बड़ी भी कहते हैं, और ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन रहता है खाने में। जैसे एक भाजी है उसके साथ में ये बना दिया, तो प्रोटीन कंटेंट भी हो गया और बैलेंस हो जाएगा। और ये रही हरी भरी प्यारी सी
सब्जी की टोकरी जिसमें से तो मुझे लगता है कि सारी बहुत कॉमन चीजें हैं, मेथी है, धनिया है, मूली, बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे पैकेट्स बनाए गए हैं इसके। ये चीज मैंने देखी है कि छत्तीसगढ़ में ना हमारे यहाँ भाजियाँ या ऐसे मतलब चीजें बहुत, धनिया हो गई, छोटी छोटी जूरियों में मिलती है, छोटे उसमें ही इसको तोड़ा गया है। हाँ, इसको बहुत ज्यादा बड़ा होने का वेट नहीं किया। हाँ, तो इसका स्वाद ज्यादा अच्छा आएगा। हाँ, बहुत ज्यादा रोबस्ट फ्लेवर आते हैं इसके। और ठंड में तो मेथी हर चीज के बघार में डलना ही डलना। और ये हमारी फर धनिया हम जो हमने वहाँ पे देखी थी उसी का ये ऐसा मिलता है ये मार्केट में, और फिर इसे तोड़ा जाता है इसके फल। पहले एक डाउट क्लियर करेंगे इस चीज के बारे में बताने से पहले कि चेरी टोमेटो, चिरपोटी टमाटर, देसी टमाटर, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। एक्चुअली देखो, जो देसी टमाटर होता है और जो हमारे अंग्रेजी टमाटर होते हैं जो ओवल से होते हैं, थोड़े से मोटे से, उनके छिलकों में डिफरेंस होता है। ओके, तो वो छिलके बहुत मोटे होते हैं, इनके छिलके बहुत पतले होते हैं। तो इसको जब सिल में पीसा जाता है तो उतनी मेहनत नहीं लगती जितनी वो हमारे जो अंग्रेजी टमाटर को पीसने में लग जाती है। और ऑब्वियसली क्योंकि देसी टमाटर है, हमारे टेस्ट में वो बसा हुआ है, लाइक दिस मोर फॉर द चटनी। तो और इसको एक्चुअली कहते हैं चिरपोटी टमाटर। तो ये जो छोटे छोटे मतलब इसके साइज के ऊपर इसका नाम रखा गया है, थोड़ा डेरोगेटरी है जो भी है, बट ये उसलिए कहा जाता है उसको चिरपोटी टमाटर, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से इसलिए। और ये स्पेसिफिकली चटनी में जो जो बनाने के लिए, सिल में पिसी हुई चटनी, उसके लिए ज्यादा यूज होता है। ये अमारी का फूल है, इसको रोजेल फ्लावर्स भी कहते हैं। अंग्रेज लोग तो इसकी चाय पीते हैं, पर हमारे यहाँ पे चटनी बनती है, और इसकी जो भाजी होती है उसकी भी सब्जी बनती है, उसे कहते हैं अमारी भाजी। तो दीदी यहाँ पर क्या क्या पक रहा है ये बताइए। अभी तो फिलहाल इसमें दाल और चावल पक रहा है। दाल पक रहा है इसमें, ये पीतल का बर्तन है, और इसका नाम हमारे यहाँ पे कहते हैं बटलोही। अच्छा। तो इसमें दाल जो है वो सुबह से ना चढ़ा देते हैं और धीरे धीरे पकता है, जो दाल का जो टेस्ट है स्मोकी और रिच होता है, क्रीमी हो जाती होगी। हाँ, एग्जैक्ट। तो इसमें दाल है और इसमें चावल पक रहा है, तो ये मिट्टी का बर्तन है, ये वाला चावल पक रहा है, विच इज कॉल्ड कनक जीरा। छोटा छोटा सा देखो होता है, बहुत एकदम बारीक। ये ऐसे ही होता है या फिर इसे तोड़ा जाता है? नहीं नहीं, ये इसका साइज ही यही है, और इसे कहते हैं कनक जीरा। और एक बार राइस पक के वहाँ पर रखा हुआ है, मतलब हमारे यहाँ जो चावल है उसका पानी निकाल दिया, माड़ जो है वो निकाल दिया। इसे हम पसिया कहते हैं। हाँ, मतलब पसाया जाता है। तो दिस इज अ कुकिंग टेक्निक। ये ऐसा बनेगा कि खिला खिला भी रहेगा, और इसको सेकेंड जुअर, हमारे यहाँ जैसे कहते हैं पहले जुअर या दूसरे जुअर के हिसाब से, पहला पहर दूसरा पहर, सुबह का खाना या शाम का खाना। तो इसको दूसरे जुअर भी अगर किसी चीज के लिए यूज करना है, फरा बनाना है या रोटी बनानी है या फ्राई करना है, तो वो उसके लिए भी वो काफी खिला खिला सा रहेगा, स्टिकी नहीं हो। तो हम आज बना रहे हैं पान रोटी, जिसे अंगाकर रोटी भी कहते हैं। और अंगाकर रोटी इसलिए कहते हैं क्योंकि अंगार पे बनती है। पान रोटी इसलिए कहते हैं क्योंकि पत्तों के बीच में बनती है। और हम आज परसा पान यूज करेंगे उसके लिए, जो कि पलाश के पत्ते होते हैं। इसमें पका हुआ भात यूज होता है, पका हुआ चावल, उसमें नमक डालते हैं आवश्यकता अनुसार, उसमें फिर चावल का आटा डलता है। सो देयर इज़ नो प्रपोर्शन। मतलब अगर कई बार ऐसे रेसिपीज में लोग पूछते हैं कि क्या प्रपोर्शन होगा या कुछ, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ योर राइस इज़ बीन कुक्ड। तो अगर थोड़ा गीला चावल है तो चावल का आटा थोड़ा ज़्यादा लगेगा, अगर चावल थोड़ा सा फरहर है, मतलब थोड़ा सा अलग अलग है, तो उसमें फिर चावल का आटा थोड़ा कम लगता है। तो इट ऑल शुड कम टुगेदर इन अ डो, जिससे आपको फिर वो फ्लैटन करके रोटी बनाते बने, तो वो कंसिस्टेंसी जो है वो हमें चाहिए। डो को हाथ से दबा दबा कर एक रोटी का शेप दिया जाता है, फिर इसे परसा पान से दोनों तरफ से लपेटा जाता है। उसके बाद गोरसी में गोबर के उपलों को जलाया जाता है। आग तैयार होते ही जो रोटी है उसे इसके अंदर रख दिया जाता है, और इसके ऊपर में भी उपलों को जलाकर रखा जाता है, ताकि रोटी दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पक जाए। जब परसा पान रंग बदल देता है और जलकर काला हो जाता है, तब रोटी को निकाल लिया जाता है। देखने में बिल्कुल एक ब्रेड की तरह दिखती है ये ऊपर से, और इसकी ऊपर की लेयर बिल्कुल गोल्डन कलर की हो जाती है। हाथ से पीट पीट कर रोटी से जो राख होती है उसे निकाल लिया जाता है, और तैयार हो जाती है हमारी अंगाकार रोटी। तो यहाँ पे अभी क्या बन रहा है दीदी? हम लोग चिरपोटी टमाटर की चटनी पीस रहे हैं, क्योंकि हम पान रोटी बना रहे हैं, तो पान रोटी के साथ चटनी के बिना तो नहीं चलेगा। और ये यहाँ ट्रेडिशनल चटनी है छत्तीसगढ़ का, जो चिरपोटी टमाटर, और अभी मौसम है इसलिए फर धनिया, अच्छा, मिर्च, लहसुन और नमक, बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और उसको सील में पीसा जाता है। तो अमृता भी हमें पीस के देगी है, फिर हम उसको खाएंगे पान रोटी के साथ। पाताल चटनी को बनाने के लिए लहसुन, मिर्च, खड़ा धनिया और नमक को लेकर पीसा जाता है चिरपोटी टमाटर के साथ। इस चटनी को पाताल चटनी कहते हैं, और इसमें टमाटर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। जिस तरीके से दीदी अभी इसे पीस रही है आप देख सकते हैं, इसे काफ़ी मेहनत से पीसा जाता है, क्योंकि इसे सिल बट्टे पर पिसा जाता है, इसलिए इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा निखर कर आता है।
अभी हम पोई भाजी छोटी बरी के साथ बना रहे हैं। ये उड़द की छोटी बरी है, इसको सबसे पहले ऑयल में, हॉट ऑयल है, इसको फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके इसको निकाल लेंगे। बड़ी वाली जो बड़ी रहती है वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है। अब इसका कलर देखिए पूरा चेंज हो गया, गोल्डन ब्राउन ऑलमोस्ट। और ये जब तक अच्छे से भूनेगा नहीं तो फिर ये उतना अच्छे से इसका टेस्ट नहीं आएगा। भूनना इसको बहुत जरूरी है। देखो अभी इसका कलर एकदम रेड, अगर आप नहीं निकाले तो जल जाएगा ना। अब इसको निकाल देंगे। अभी हम यही ऑयल में तड़का बनाएंगे, थोड़ा सा सरसों डालूंगी और मिर्च जो है वो पूरी अच्छे से कलर चेंज करेगी और डार्क होनी चाहिए इसको, मतलब हमें थोड़ा सा तड़का तेज चाहिए। अब लहसुन का कलर अब देखो ब्राउनिश हो गया है, और मिर्ची भी ऑलमोस्ट ब्राउन हो गई, इससे वो जलेगा भी नहीं। अब थोड़ी देर के लिए मैं ये कवर कर दूंगी बड़ी ऐड करने के पहले, ताकि तड़का जो है वो भाजी में थोड़ा आ जाएगा। इससे ज्यादा फ्रेश नहीं हो सकती है, अभी थोड़ा कुछ देर पहले कट करके फिर हम बना रहे हैं, और उसका टेस्ट अलग ही होता है। कितनी सारी थी पहले जब हमने तोड़ी थी देखो, और अभी कितनी कम हो गई, और अभी पकने के बाद हम देखेंगे और कम हो जाती है। वाकई में पालक का रिश्तेदार है भाजी। और थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि ये सचमुच में पालक का रिश्तेदार है। बहुत ज्यादा सॉल्ट डालने से जल्दी सॉल्टी हो जाती है। ये फ्रेश भाजी होने के कारण ये देखो अब ये अपने ही जूस में पकेगा। मैं इसको कवर कर दूंगी। तो अब कौन सी सब्जी बन रही दीदी? अभी हम बना रहे हैं वो जो तिवरा भाजी हमने देखी थी, उसका फल जो है वो ऐसा दिखता है निकलने के बाद, मटर के दाने जैसा। हाँ, मटर के दाने जैसा। तो ये जो है ये थोड़े हार्ड होते हैं, इनको तुरंत अगर बनाएंगे तो वो उतने अच्छे से नहीं पकेगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने छोंक लगा के बॉईल करके रखा है। तो अभी फिलहाल ये सॉफ्ट हो चुके हैं, और इसका मैं अभी बनाऊंगी कढ़ी। ओके। और इस कढ़ी में डलेगा ये वाला बैंगन जो हमने वो गुलेंगा भाटा देखा था वो डलेगा, थोड़ा सरसों, क्योंकि ये खट्टी सब्जी है तो इसमें मेथी के दाने डलते हैं, अच्छा वो डलेगा। लहसुन और मिर्च। हाँ, लहसुन और मिर्च जो, और हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता। तेल काफी गर्म है तो हम सारी चीजें जल्दी जल्दी डल रही हैं। और अब इसमें हम डालेंगे ये बैंगन और इसको हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। ये बैंगन सिकुड़ जाएगा क्या फ्राई होने के बाद? हाँ। अच्छा। ये जैसे इतना सारा दिख रहा है बट ये इतना ज्यादा मीटी है अंदर से, ये इतना ज्यादा सॉफ्ट है और बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट होता है इनमें, तो ये पक के सॉफ्ट हो जाएंगे। काफी अच्छी तरीके से पक गया है वैसे ये। हाँ ये पक गया। अभी मैं ना मैंने इसमें टमाटर डाला हुआ है, तो ये टमाटर डालने के बाद मैं वापस से आग बढ़ाऊंगी थोड़ा, ताकि ये टमाटर नीचे से जल्दी पक जाए और बैंगन उसके ऊपर कर दे। ठीक। तो अभी ये देखो टमाटर पूरा पक गया है ना, गल चुका है ये। तो अब मैं ये जो ऑलरेडी पका हुआ था तिवरा का फल वो मैं इसमें डाल दूंगी। वैसे ऐसे खाने में भी काफी अच्छा लग रहा था, जैसे उबला चना होता है ना। हाँ, ये एक्चुअली एज अ सैलेड भी खा सकते हैं, पर इसको बहुत ज्यादा मात्रा में खाना थोड़ा सा रिस्की होता है, तो इसलिए इसको खट्टे में खाना इज बेटर। वो उसको फिर, हाँ, इसकी जो भाजी भी बनती है ना उसमें भी हम थोड़ा सा दही इसलिए डालते हैं। अच्छा। तो ये यहाँ पे मैंने बटर मिल्क में थोड़ा पानी मिला के और थोड़ा बेसन घोल के रखा हुआ है, जो कढ़ी का बेस होता है। हाँ, जो कढ़ी का बेस होता है, एग्जैक्टली, जो भी खट्टी सब्जी का जो बेसिक होता है वो, और वो हम इसमें डालेंगे। वाओ, पूरा फ्लड हो गया अपना, कढ़ी का कलर भी लेने लगा हल्दी की वजह से। अब हम इसको बस उबलने देंगे अच्छे से, ताकि ये पक जाए पूरा और अच्छे से पूरा मिल जाएगा। उबाल आते ही भटकर का रंग रूप बिल्कुल कढ़ी की तरह दिखने लगता है, और इसी के साथ हमारी खाने की सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं। अब चलते हैं मेज की तरफ और इस खाने का आनंद लेते हैं। तो फाइनली सज गई है हमारी मेज। बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा दीदी का, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके इस थाली को तैयार किया है। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे आइटम्स हैं जिसके बारे में हम बताते हैं। तो ये है अंगाकर रोटी, जिसे पान रोटी भी कहा जाता है। आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने इसे बनाया था। राहर दाल, जो कि हमारी तूर दाल होती है, वही है एक्चुअली। ये जो है ये काफ़ी देर, जितना देर हमने बाकी प्रिपरेशन किया, ये धीमी आँच में पक रही थी कोयले में। बाकी चीज़ें आप बताइए। तो ये तिवरा भाजी है, ये पोई भाजी है, ये वाला जो है ये तिवरा भाजी का ही जो फल होता है उसके दाने हैं, उसके साथ में बैंगन डाला हुआ है, और ये खट्टी सब्जी है, तो ये दही में बनी है। उसके अलावा हमारे पास ये काफी अलग यूनिक से क्रैकर्स हैं, पापड़ है, ये चावल का पापड़ है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें चावल से बनती है, तो हमारे यहाँ पापड़ भी ये चावल का होता है जो मेन है। उसके साथ में ये लाई बड़ी है जो कि लाई से बनती है, अगेन राइस। और ये जो है ये बिजौरी है, ये उड़द दाल से बनती है, लेकिन इसमें काफी सारा तिल यूज होता है, तो ये एज अ कंपनीमेंट छत्तीसगढ़ में खाए जाते हैं। और मीठे में हमारे पास है ये पपची और ये तो गुजिया, नॉर्मल, बहुत ही कॉमन है। तो मैं इसे खाता हूँ और बताता हूँ ऑडियंस को कैसा है। सबसे पहले आई ऑलरेडी लाइक इट, क्योंकि मैं बहुत, जब ये घूम रहे थे अंदर जा रहे थे, मैं धीरे धीरे खाते जा रहा था, मुझे भूख लग रही थी। अभी खा के देखते हैं इसे। सबसे पहले रोटी को इस चटनी के साथ खा के देखते हैं। वाह, बाहर से पूरी कड़क है, बिल्कुल क्रंची है,
बट अंदर से देखिए आप जो राइस था, क्योंकि इसे राइस से बनाया जाता है पके हुए, जो पूरा सॉफ्ट है। और इस चटनी की क्या बात ही कहूँ मैं आपको, एक तो इसमें लहसुन यूज़ हुआ है, मिर्चा यूज़ हुआ है, वो छोटे टमाटर यूज़ हुआ है जिसे चटपोटी टमाटर कहा जाता है, बट जो इसमें टेस्ट अलग आ रहा है ना वो उस खड़ी धनिया से आ रहा है। हाँ, फर धनिया, फर धनिया से। जैसे ही आप इसे टेस्ट करेंगे पूरे फ्रेशनेस का मुँह के अंदर ब्लास्ट होता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने में। अभी मैं सब्जी पहले इन्हें टेस्ट करके बताता हूँ डायरेक्टली। ऐसे ही ये बड़ी और ये पोई भाजी है। दिस इज अ लिटिल स्वीटर वर्जन ऑफ पालक। सो वो पालक के जैसा इसमें आयरन उतना कंटेंट नहीं है, आई कैन सी दैट मॉइस्चर इसमें ज़्यादा है और वो इसके ड्राइनेस को कॉम्प्लीमेंट करता है जब हम इसको बड़ी के साथ खाते हैं। तो अब बटकर की सब्जी को ट्राई करते हैं। ये काफ़ी खट्टी होगी क्योंकि इसमें बटर मिल्क यूज़ किया गया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। बैगन को खा के देखते हैं एक बार कि आई थिंक वो पूरा एब्जॉर्ब कर चुका होगा इस कड़ी को। पूरा बैंगन मुंह के अंदर डिसॉल्व हो जाता है इमीडिएटली। एक्चुअली जैसे बैंगन है ना, वो जैसे नॉन वेजिटेरियन कुजीन में फिश होता है, बैंगन इज सेड टू बी अ काइंड ऑफ, ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट, बट वो काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट, वो मसालों को काफी अच्छा मतलब टेस्ट एब्जॉर्ब करता है। अब ये सब्जी को ट्राई करके देखते हैं। इसको खाने से ये ज्यादा पालक की तरह मैच कर रही है, क्यों? कैन यू टेस्ट द जिंजर इन इट? हल्का हल्का। हाँ, तो ये वाली जो भाजी होती है इसमें जिंजर भी डलता है, तो इसका टेस्ट जो है वो इसलिए निखरता है व्हेन यू पुट जिंजर इन इट। जो टेक्सचर है क्रीमी जैसा है, ये इसी से हुआ है कि इसके अलावा कुछ मिलाया हमने? क्योंकि इसमें बैंगन डले हैं, क्योंकि ये वाली जो भाजी होती है इसको लपेटने के लिए यू नीड अनदर एजेंट, और वो जनरली बैंगन यूज होता है, जैसे कि कल्याणी बैंगन होता है जो पर्पल कलर का होता है, मीठी रहता है, तो वो काफी अच्छे से लपेट लेता है और उसमें वाटर कंटेंट भी ज्यादा होता है, तो ये जो मशी टेक्सचर है वो एक्चुअली बैंगन के कारण। तो अभी मैंने राइस ले लिया है इसको खाने के लिए, और ये रही दाल, इसके साथ मैं खा के देखता हूँ अभी। सिंपल बट सो डिलीशियस। अब राइस के साथ पोई भाजी की सब्जी को मिला के देखते हैं, बड़ी खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। इसका स्वाद राइस के साथ निखर के आता है थोड़ा। ये थोड़ी सी कसैली हल्की सी लगती है, जिसकी वजह से अच्छा वाला कसा हो पाने। इसलिए उसमें थोड़ा सा टमाटर हमने डाला हुआ है बैलेंस करने के लिए। मैं एक बात बता दूं आपको, अगर हम इसे रोटी के साथ खाते हैं ना इतना मज़ा नहीं आता जो इस चावल के साथ खाने में आ रहा है। स्पेशली ये छोटे छोटे है ना, तो ये टूट कर उसको पूरा लपेट ले रहे हैं मसालों में। हमारे यहाँ एक्चुअली रोटी उतना फेमस है भी नहीं, हर चीज राइस के साथ पेयरिंग उसकी मच बेटर है। जैसे खट्टी सब्जी भी राइस के साथ पेयर करो, या भाजियां जो भी है वो राइस के साथ पेयर करके खाओ, तो उसकी पेयरिंग ही अलग है। रोटी के साथ वो टेस्ट नहीं आता जो राइस के साथ आता है। क्रंची है, इतना देर से रखा हुआ है फ्राई करके, फिर भी क्रंच तो आप सुन ही रहे होंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रंची है। अब इसे ट्राई करके देखते हैं लाइबरी, ये भी क्रंची होगा बहुत ज़्यादा। ये मैं काफ़ी टाइम से ट्राई करना चाहता था, बिजौरी। तिल तो बहुत ही ज़्यादा इसमें, आई थिंक 60% तो तिल ही है। काफी तिल रहता है इसमें और उड़द दाल। वाह, फ्राई करने से तिल ने ऑयल छोड़ दिया है, अब वही टेस्ट आ रहा है। एग्जैक्टली, सिर्फ दाल चावल और बिजौरी, थोड़ी सी चटनी। हाँ हाँ, so you don't need anything else. I think this was the best. सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी गरिमा दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब शाम घिरने लगी है और हमारा खाना भी हो चुका है, तो अब हम जा रहे हैं गरिमा दीदी के फार्म पर, जहाँ पर हम काफी सारी चीजें देखेंगे। ये फार्म धान के हरे भरे खेतों से घिरा हुआ है। धान के अलावा यहाँ पर स्टार फ्रूट, बेर और ड्रैगन फ्रूट जैसे भी बहुत सारे पौधे हैं, जिसे गरिमा दीदी के पिताजी ने यहाँ पर दूसरे शहरों से लाकर लगाया है। और यहाँ पर एक बहुत ही पुराना मंदिर भी है जहाँ हम अभी जा रहे हैं। तो ये वाला जो मंदिर है, हाँ, ये मंजला गौटिया का मंदिर कहते हैं, और ये एक्चुअली हमारे खेतों के बीच में है, और ये काफी पुराना है। कोई भी चीज जैसे गुम जाती है तो यहाँ पे मानते हैं कि जैसे एक नारियल चढ़ाने का बस आप मानता मानो तो वो जरूर मिल जाता है। हाँ, तभी वहाँ नारियल ये जो सारे बंधे हुए दिख रहे हैं। हाँ, तो जैसे किसी का भी कुछ घूमता है ना आसपास के, दूर में भी गांव में जो भी, तो वो आके यहाँ पे जो है मन्नत मांगते हैं, वो पूरी होती है। ये स्टार फ्रूट का पेड़ है जो हमने खाया था कट करके, इसमें बहुत सारा ऊपर लगा हुआ है, हालांकि इतने अच्छे से वो छुप गया है ना कि नजर ही नहीं आ रहा है। स्टार फ्रूट के पेड़ के नीचे पूरे ऐसे ही स्टार फ्रूट पड़े हुए थे। ये रही लाखड़ी भाजी जो हमने खाया था बड़ी के साथ, और ये रहा सिंदूर का फूल। सी, ये क्या है? सिंदूर। तो इससे सिंदूर बनता है। ये ड्रैगन फ्रूट है, ये पुना से लाया हुआ पौधा है, इसमें अभी दो बार फल आ चुका है और इसमें काफ़ी फल लगता है। इसमें ना खाद की ज़रूरत है, ना पानी भी बहुत कम से कम पानी की ज़रूरत है, और कोई प्रकार की दवाई इसमें उपयोग नहीं होता है। थोड़ा टेम्परेचर भर से बचाना पड़ता है, काफ़ी फल देता है। ये दालचीनी सिनेमन का पौधा है, इसको मैंने मुदबुदरी से लाया था, मैंगलोर से। और ये जो देख रहे हैं, ये आड़ू का पौधा है, इसमें लास्ट ईयर फल लग चुका था, अब इसमें फूल आएगा। कुचिकू,
नहीं आना है। ये रहे बड़े वाले बेर, चाइनीज एप्पल जिसे कहते हैं, जो अभी बिकने के लिए रायपुर जा रहे हैं। गरिमा दीदी ने एक पैकेट मुझे भी दे दिया है जिसमें कुछ स्टार फ्रूट भी है। तो गाइज आज बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका गरिमा दीदी। फाइनली 2 ईयर्स के बाद, 2 साल के बाद हम ये शूट कर पाए और बहुत ही अच्छा था। और वैसे हम काफ़ी थक चुके हैं बट ठीक है, बट दिस वॉज रियली इन्फॉर्मेटिव, एंटरटेनिंग, और लोगों को इसको देख के काफ़ी चीज़ें पता भी चलेगी। आई थैंक यू सो मच आने के लिए यहाँ पे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा शेयर करके विथ यू द फूड ऑफ छत्तीसगढ़, द कल्चर, और यहाँ पे फार्म हाउस में भी घुमा के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारी फैमिली से मैं पहली बार मिली हूँ। इट वॉज रियली नाइस एंड फन, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो गाइज आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए गरिमा दीदी को, नॉनी कुक्स हैंडल इंस्टाग्राम पे इन्हें फॉलो कर सकते हैं आप, इनका ब्लॉग और जो इनका फेसबुक पेज है सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। अब मैं जाता हूँ और ये सिंदूर धो लेता हूँ, तेरी ऐसी तैसी सिंदूर लगाता है मेरे को। आइए ठूसिए सब, आइए रख दी। स्टॉप, ड्राइव अवे दोस मक्खीज प्लीज। मैं खाने से स्टॉप नहीं कर पा रहा, बहुत टेस्टी है। की भूसी। आपको 3 डॉगी एक साथ दिख जाएंगे, एक नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, पर ये दोनों वफादार हैं, ये वाला वफादार नहीं है। आज के इस वीडियो का जो ट्रैवल पार्टनर था वो था पांडे कैब्स। पांडे कैब्स भिलाई की एक कैब सर्विस है जिसमें आप सेल्फ ड्राइव कार ले सकते हैं, आप रेंटल ले सकते हैं, स्टेशन से पिकअप ड्रॉप ले सकते हैं, और इवन ये एयरपोर्ट ड्रॉप और पिकअप भी सर्विस प्रोवाइड करती है। इसे मेरे अच्छे दोस्त दुर्गेश पांडे चलाते हैं और उन्होंने इस पूरी ट्रिप में अपनी कार मुझे दी थी, सो इट वॉज अ रियली गुड एक्सपीरियंस। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो गाइस दैट्स ऑल, थैंक यू।